मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूँ इस खास डायरेक्ट डायलिन शो में जिसका नाम है एमल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबेटिक्स दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य का एक सफल संदेश बन चुका है हमारा ये शो जिसका मकसद है एक हैप्पी खुशमयी और संपूर्ण जीवन डायबेटिक्स के लिए आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी रिसर्च सेंटर ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था सी एस आई आर की रिसर्च का एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर दोस्तों डॉक्टर नितिका कोहली के मार्गदर्शन में हमने इस मुहिम की शुरुआत कर दी है और तमाम डायबेटिक्स को राहत भी मिल रही है डॉक्टर नितिका आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका केवल स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू अंकिता दोस्तों आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं ड्रिंक्स एंड ब्लड शुगर के बारे में अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को शुगर की बीमारी है और कोल्ड ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक का सेवन ज्यादा किया जाता है तो ये एपिसोड खास आपके लिए है हेल्पलाइन नंबर्स पे फोन लगाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एक और ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड डॉक्टर नितिका आजकल बच्चे या फिर यंगस्टर्स या कोई भी एज ग्रुप ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं पर जब बात आती है शुगर पेशेंट्स की तो क्या शुगर पेशेंट्स को कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए देखिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है डिहाइड्रेशन वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फील करते हैं कि वो डिहाइड्रेटेड हैं चाहे उनको डायग्नोज हुई है ब्लड शुगर या नहीं हुई है बिकॉज एक्सेस यूरिनेशन होने की वजह से वाटर लॉस होने की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो रही होती है जिसकी वजह से उनको बार बार प्यास लगती है अगर उस प्यास को ठीक तरह से एड्रेस uh, नहीं किया जाए अगर ठीक चीज़ ना ली जाए उस टाइम पर और कोल्ड ड्रिंक्स ले ली जाए तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रही है वो और और भी ज्यादा एग्जैजरेट हो सकती है बढ़ सकती है बट अगर हम बात करें पानी की अगर हम पानी को अगर हम पेशेंट को सजेस्ट करें तो पानी में ना तो कोई कैलोरीज हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना फैट्स हैं जिसकी वजह से उनकी डिहाइड्रेशन को भी इन चेक करा जा सकता है और साथ ही साथ उनको वेट गेन की भी कोई स्ट्रेस नहीं है और साथ ही साथ इससे जो बॉडी की क्लिनजिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो सकती है तो डायबिटीज़ के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पेशेंट्स के लिए कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है डॉक्टर फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं मैं लेना चाहूँगी हमारा पहला फ़ोन कॉल जी हेलो हेलो नमस्कार एवल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है नमस्कार जी आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं आयुषी बोल रही हूँ मैं करनाल से हूँ नमस्कार आयुषी जी हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था मुझे एक्चुअली तीन चार साल से शुगर है मैम जी मैं एक्चुअली आई एम नॉन वेजिटेरियन तो मैं ये पूछ रही थी की क्या मुझे वेजिटेरियन होना पड़ेगा शुगर कंट्रोल करने के लिए अच्छा आयुषी जी अभी आपकी ब्लड शुगर कैसी रहती है फास्टिंग uh, fasting 120 है और पीपी 150 अच्छा ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड ही है तो ये जो ब्लड शुगर मैनेज है ये मेडिसिन से है या सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से है कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस ही ओके अभी आप मेडिसिन नहीं लेती हैं नहीं ठीक है देखिए आयुषी जी ऐसा होता है कि वेजिटेरियन फूड जो है उसमें आ, ऐसा कहा जाता है देखिए आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि एक सात्विक गुण होते हैं एक तामसिक गुण होते हैं तो अच्छा। जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं वो तामसिक गुणों को बढ़ा, बढ़ाते हैं बॉडी में तो अगर हम बात करें एज़ इट इज़ आयुर्वेद प्रमोट नहीं करता है नॉन वेजिटेरियन फूड को बट अगर हम बात करें आपकी डायबिटीज़ को लेकर तो नॉन वेजिटेरियन फूड का जो यूज़ है वो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए एक्चुअली बात ये कि आप कितना खा रहे हैं क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं अगर आप कितना की बात करें तो हम आ, मैं हर बार अपने शो में भी बताती हूँ हर पेशेंट को भी बताती हूँ कि लंबे लंबे गैप्स कर कर अगर आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं तो फिर हुँ. वो भले ही वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वो नुकसानदायक है कितना खा रहे हैं ये हो गया उसके बाद कैसे खा रहे हैं अगर आप उसको स्टीम करके खा रहे हैं या बॉईल करके खा रहे हैं तो उससे इतना नुकसान नहीं होगा बट अगर आप उसको तल के खा रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल्स का यूज़ हो रहा है या बहुत बासा फूड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसान कर सकता है तो उसमें यह है कि अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकता है वो प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है बट अगर आप रोस्टेड चिकन या फ़िश लेते हैं और अगर आपका ये स्टेपल डाइट है कुछ लोगों के लिए ये स्टेपल भी होता है लाइक अगर बंगालीज की बात करें तो उनको बचपन से फिश खाने की आदत होती है या बात करें राइस की उन लोगों के लिए ये स्टेपल फूड है अगर हम उसको उनकी डाइट से हटा देते हैं तो आयुर्वेद में इसको देश विरुद्ध माना जाता है जो कि वैसे भी बॉडी के लिए नुकसान कर सकता है तो अगर आप अपनी सूझबूझ लगा के खाने में डालती हैं कि क्या खाना है कैसे खाना है कितना खाना है तो नॉन वेजिटेरियन से बिल्कुल वेजिटेरियन होने की जरूरत नहीं है थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब थैंक यू थैंक्स फॉर कॉलिंग थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आस दोस्तों अगर ब्लड शुगर से रिलेटेड आपके भी कोई सवाल हैं या आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है और आप जानना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत क्या खाएं क्या ना खाएं तो ये शो ये एपिसोड डॉक्टर नितिका खास आपके लिए यहाँ पे है फोन उठाइए नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से डॉक्टर जहाँ तक शुगर की बीमारी की बात है तो खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है अगर मैं बात करूँ बच्चों की तो बच्चे तो डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स का या जो पाउडर्स आते हैं जो हम घर में मिक्स करते हैं उनका सेवन बहुत करते हैं तो बच्चों को किस तरह से इन चीज़ों से दूर रखा जाए देखिए अंकिता ये आई थिंक डिपेंड करता है कि घर में क्या चल रहा है अगर पेरेंट्स खुद ही इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो कहीं भी ये डिसिप्लिन घर में नहीं ला सकते हैं कि बच्चे यूज़ ना करें और चिल्ड्रन ऐसा एक ग्रुप है जो बहुत जल्दी इन चीज़ों से अट्रैक्ट uh, हो जाते हैं बट आजकल स्कूल्स में भी एजुकेट किया जा रहा है या अगर घर में भी उनको एजुकेट किया जाए कि एक्चुअली जंक uh, क्या है या इन चीज़ों का क्या इफेक्ट है आपकी बॉडी पे तो बच्चे बहुत जल्दी उसको समझते हैं और आई थिंक वो uh, आने वाले टाइम में अगर हम उनको ही एजुकेट करें तो आने वाले टाइम में ये अवेयरनेस जो है ये काम आएगी डायबिटीज़ दा, को रोकने में वेल दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट क्योंकि शो के ज़रिए आप हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करते हैं आपकी पूरी टीम लोगों से मिलती हैं उनसे बात करते हैं अवेयरनेस पहुँचाते हैं आप ही की एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर सना आइए उनसे बात करते हैं जी डॉक्टर सना आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू अंकिता जी थैंक यू डॉक्टर नितिका डॉक्टर सना आपसे जानना चाहूंगी कि अगर फ्रूट्स का सेवन किया जाए एक डायबिटिक पेशेंट अगर फ्रूट्स खाते हैं तो क्या उनके शुगर लेवल्स पे फर्क पड़ता है अंकिता जी फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है बहुत हेल्दी डाइट right के लिए क्योंकि इनमें विटामिन मिनरल्स एंटी होते हैं शुगर वाले पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं वे सेब ले सकते हैं संतरा नाशपाती है जामुन फालसें हैं और कम शुगर वाले जैसे खरबूजा तरबूज इनमें शुगर कंटेंट कम है तो वे भी ले सकते हैं तो ऐसे फलों का सेवन करने से उनको नुकसान नहीं होगा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एस डॉक्टर सना थैंक यू अंकिता जी थैंक यू डॉक्टर नितिका डॉक्टर नितिका बचपन से कहा जाता है कि फ़्रूट जूसेस पीने चाहिए गुड फॉर हेल्थ तो अगर फ्रूट्स की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो क्या जूसेस में भी प्रॉब्लम होती है आई थिंक अंकिता इसको अगर करेक्टली बोल रही है तो ये है कि फ्रूट्स फिर भी खा लेंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा जितना जो फ्रूट्स अलाउड है अगर उनका भी जूस लिया जाए जैसे एप्पल जूस भी लिया जाए जी ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आ, हमेशा मैं बताती हूँ कि सिंपल काब्ज और कॉम्प्लेक्स काब्स जो होते हैं तो ये सिंपल काब्ज हैं जो जाके इमीडिएटली ब्रेक डाउन होते हैं और हमारी ब्लड शुगर में एकदम एक स्पाइक एक, क्रिएट uh, करते हैं एकदम बढ़ा देते हैं ब्लड शुगर को जी. तो फ्रूट जूसेस किसी भी फॉर्म में बहुत नुकसान दे सकते हैं भले ही वो फ्रूट्स हम अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जूसेस लेना नहीं है एक के लिए। और आज कल तो कैंट exactly. हाँ जूसे uh, हमारे पास एक और कॉल है एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है आप किस शहर से बात कर रही हैं जी मेरा नाम आतिया है और मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ नमस्कार आत्या जी नमस्कार है कैसी हैं आप जी बहुत ठीक हूँ मेरी डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है जी कि मुझे शुगर आती है अच्छा और वो कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है एक सी नहीं रहती जी और मैं दवा तो लेती हूँ लेकिन फिर हमारे रोजे होते हैं रमजान के में जो हम लोग फास्ट रखते हैं हाँ जी तो उसमें मैं उसके लिए क्या करूँ की मेरी मुझे नॉर्मल रहे शुगर और कोई मुझे नुकसान न हो हाँ जी अच्छा कि आपने फोन करके अपनी क्वेरी मेरे से पूछी है मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले ही आपकी ब्लड शुगर अभी ठीक नहीं रहती है आप बता रही हैं कि कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है सबसे पहले तो आपको रोजों के अलावा उसके अलावा जो दिन है उनमें भी ये ध्यान रखना है कि आपकी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल्ड रहे डाइट में भी चेंजेस करने चाहिए आपको और सबसे पहले जो मैं डाइट में चेंज बताती हूँ वो यही है कि आपको फ्रीक्वेंट मील्स मतलब कि छोटे छोटे अंतर में खाना खाना चाहिए अच्छा तो अब इसी चीज को अगर हम रोजों में ले जाएं तो रोजों में भी ऐसा ही होता है कि आपको सुबह के टाइम उठ के एक टाइम पे आप कुछ भी खा सकते हैं और फिर शाम को खाएंगे तो एक बहुत लंबा गैप आ जाता है बीच में तो बेसिकली ये एडवाइजेबल नहीं है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए और स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनकी ब्लड शुगर बिल्कुल भी कंट्रोल्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले तो उन दिनों में जब आप रोजे नहीं रख रही रखनी अपनी ब्लड शुगर मैनेज करिए फिर देखिए कि रोजे आते तक जब तक आपके रोजे आएंगे हो सकता है आने वाले छः महीनों में आठ महीनों में आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाए आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करे तो फिर आप कुछ दिनों के लिए अगर रोजे रखती हैं तो भले उन दिनों में फ्लक्चुएट कर सकती है ब्लड शुगर बट इतना कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप अपनी उन दिनों में स्पेशली जब आपने रोजे रखे हों आप उन दिनों में अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें और तभी दवा का सेवन करें ठीक okay. है धन्यवाद जी yeah, दोस्तों, अगर भी कोई, भी है, कोई भी सवाल है और आप डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारा रिपीट टेलीकास्ट देखिये या फिर ऑनलाइन जाके ये सारे एपिसोड्स दोबारा भी देखे जा सकते हैं और एल्स अभी डॉक्टर नितिका से बात करने के लिए फ़ोन उठाइए नंबर घुमाइए और बात कीजिए हम सब की चाहिए थी डॉक्टर नितिका कोहली से बल well, डॉक्टर हमारे पास आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं और उनके पास एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल है लेट्स लुक जी मेरा नाम बलदेव राज है मैं दिल्ली में रहता हूँ मेरे को सन 2002 से डायबिटिक प्रॉब्लम है और मैंने बहुत डॉक्टरों से मिला कई कुछ किया लेकिन मेरे को कहीं से आराम नहीं मिला इट इज़ ए मैटर ऑफ चांस कि मैंने इनका टीवी पे नितिका डॉक्टर नितिका कोहली जी का प्रोग्राम देखा और मैं उससे बहुत ही इम्प्रेस हुआ उसी समय मैंने इनको फ़ोन किया तो उन्होंने उनके पास मैं उनके एमिन हेल्थ केयर में गया उन्होंने मेरी बात बड़े अच्छे ढंग से सुनी और मेरे को समझाया कि ऐसे इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ दवाइयाँ दी वो मैंने रेगुलर लेनी शुरू करी जबकि मैंने देखा कि विद इन फिफ्टीन डेज विद इन फोर नाइट पीरियड आई हैव बीन इम्प्रूविंग माई प्रॉब्लम मेरे पैरों में भी दर्द रहती थी अब वो भी नहीं है मेरे को बहुत प्यास लगती थी जब से मैंने इनकी दवाई लेनी शुरू करी तो मेरी प्यास भी बहुत कम हो गई और जो मेरी शुगर है वो भी अंडर कंट्रोल हो गई विद इन फोर नाइट पीरियड इसलिए मैं डॉक्टर नितिका कोहली का थैंक्स करता हूँ गॉड मे ब्लेस हर ही शी मे लिव लॉन्ग सो so, डॉक्टर ये तो वो सिचुएशन है कि हाथ में कुछ नहीं था ज़िंदगी हाथ से निकलती जा रही थी पर अब एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल जिंदगी में फिर से रंग भर चुके हैं बिल्कुल और ये रंग पेशेंट्स खुद ही भरते हैं आई थिंक बस उनको बताने की ज़रूरत है कि उनको करना क्या है वेल आई थिंक हम सब बहुत लकी हैं कि मार्गदर्शन के लिए हमारे पास आप हैं आपकी टीम है सो वंस अगैन हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर हैविंग मी अंकिता चलिए दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सिर्फ ये यह एपिसोड यहाँ खत्म हो रहा है पर हमेशा की तरह आप अब भी डॉक्टर नितिका या फिर उनकी पूरी टीम से सवाल कर सकते हैं आप हमें लिख सकते हैं ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं हमारा पता है अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर टू जीरो न्यू डेली वन वन हमारे फोन नंबर्स हैं जीरो सेवन एट सिक्स थ्री डबल जीरो थ्री फोर थ्री फोर जीरो सेवन एट सिक्स वन नाइन जीरो थ्री फोर थ्री फोर और जीरो सेवन एट सिक्स टू नाइन जीरो थ्री फोर थ्री फोर हमारी ईमेल आईडी है डायबिटीज एट ईमेल हेल्थ केयर डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट एमेल हेल्थ केयर डॉट कॉम ऑल राइट देन इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत पर अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है For more videos, subscribe to our channel Care World.